अगर आपको स्प्लेंडर परचेज करनी है तो कौन सी स्प्लेंडर परचेज करना आप चाहेंगे, क्योंकि अभी हीरो कंपनी की 01 स्प्लेंडर सबसे लेटेस्ट कलर के साथ आ गई है। तो गाइस इसके बारे में जानते हैं क्या है इसकी प्राइस। इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है 95,000 कुछ रुपए। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है हीरो की स्प्लेंडर प्लस न्यू 01 के ऊपर। तो गाइस 01 में हम बात करने वाले हैं क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं और इसकी क्या है प्राइस, और ये कब, ये अभी 2024 की मॉडल है गाइस। इसमें आपको मिलते हैं 100 cc जो कि 97.2 cc के नाम से इंजन आती है। इसकी कलर की बात करूँ तो गाइस सबसे खूबसूरत कलर ये इसकी है, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट कलर आई है ग्रे। फ्यूल टैंक पे आएंगे तो यहाँ पे लोगो मिलेगी हीरो कंपनी के, और सबसे खास बात यह है इस गाड़ी में कि यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस लिखा हुआ फ्यूल टैंक पे आपको स्प्लेंडर से लोगो मिलेगी। नीचे आएंगे तो एटलेटी बॉक्स और FI की सुविधा, जो कि BS6 इंजन है ये, E20 लेटेस्ट सबसे 100 cc के नाम से बिकती है। 97.2 cc इसकी इंजन पावर होती है, 6000 rpm होती है। 01 यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है फ्यूल टैंक पे। फ्रंट प्रोफाइल की बात करो तो गाइस फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप से मिलते हैं, जो कि एक्सटेक और मॉडिफाइड लोगों की तरह मिलती है। इस टाइप से मॉडिफाई भी किया जाता है। इस टाइप से एक्सटेक में ब्लू और रेड और सिल्वर की स्टिकर आती है। इसकी कलर काफ़ी खूबसूरत है और स्मूथली है, काफ़ी बेजोर लुक के साथ ये बाइक लाई है लुक कलर के साथ। नीचे की ओर आएंगे तो फ्रंट फेंडर और ट्यूबलेस टायर, जो कि 2/75/18 फ्रंट में आती है वो, और ट्यूबलेस टायर के साथ हाई प्रोफाइल हाई क्वालिटी के फ्रंट शॉकर है मिल जाते हैं इसमें। और फ्रंट में कॉम्बो ब्रेक सिस्टम, पीछे वाली ब्रेक पुश करेंगे तो आगे पीछे दोनों काम करेगा। DRL लाइट और इसकी फ्रंट प्रोफाइल, इसमें भी चार्जिंग सिस्टम UBS केबल डाल के आप चार्ज कर सकते हो, वो भी सुविधा इसमें मिलती है। मीटर आपको इस मॉडल में डिजिटल नहीं नॉर्मल मीटर मिलते हैं। और इसी का एक और मॉडल आता है स्प्लेंडर में, दो वेरिएंट आते हैं स्प्लेंडर एक्सटेक और नॉर्मल, तो ये नॉर्मल वेरिएंट में है। न्यू E20 सबसे लेटेस्ट कलर वाली है ये, और इसकी फ्यूल टैंक पे आपको हीरो की लोगो मिलते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। नीचे की ओर आएंगे तो स्टैंड लाइट कट ऑफ, हीरो की 80% मॉडल्स में आपको स्टैंड लाइट कट ऑफ मिल जाएंगे। और यहाँ पर 01 ये मॉडल है, 01 ये मॉडल है वो मिल जाएंगे। और रियर में ट्यूबलेस टायर और रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस टाइप से मिलने वाले हैं ये बाइक में। इसकी रियर ग्रिप में काफ़ी चेंजिंग कर दिया गया, जो कि मॉडिफाइड बाइक्स होती थी कुछ उस टाइप से, तो इसमें हटा के नॉर्मल वाली कर दी है, जो कि पहले वाली स्टील की यहाँ तक कैरियर आती थी यहाँ तक वो हटा दिया गया है। पीछे के प्रोफाइल आपको काफ़ी उस मॉडल से इसमें आपको चेंजिंग मिलने वाले हैं। और टेल लाइट और यहाँ बैकलाइट पे भी आपको, यहाँ पे टेल पैनल पे भी आपको स्टिकर मिलती है सिल्वर कलर की, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। नीचे की ओर आएंगे तो पीछे की हाई पावर हाई शॉकर और सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि स्प्लेंडर के लिए सबसे बेस्ट सस्पेंशन होती है। इधर आएंगे तो गाइस इसमें मफलर साइलेंसर पत्ती जो होती है इसमें सिल्वर डालती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है सिल्वर कलर में ये। पीछे की ब्रेक पुश करेंगे तो आगे पीछे दोनों काम करेगी ये ब्रेक। और 97.2 cc की इंजन, 01 स्प्लेंडर न्यू, और 10 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। सर्विस की बात करूँ तो गाइस इसमें कंपनी 5 सर्विस फ्री देती है, जो कि पहला सर्विस आपको 500 से 750 किलोमीटर पे या 100 दिन के अंदर कराना पड़ता है। वारंटी की फीचर्स की बात करूँ तो गाइस इसमें ऑन रोड प्राइस इसकी आती है 95,000, और 1+4 अब सारी बाइक्स को, सारी कंपनी को देना है 1+4। 1+4 आपको 1 साल फुल इंश्योरेंस, 4 साल थर्ड पार्टी रहती है, और कैश ऑन रोड प्राइस आपको मिलते हैं 95,000 कुछ रुपये समथिंग। और इसकी कलर सबसे बेस्ट है, इसमें भी 2 कलर आने वाले, एक फुल्ली ब्लैक, जो कि फुल्ली ब्लैक तो पहले भी आती थी बट उसमें यहाँ पे स्टिकर अब रहेगा फ्यूल टैंक पे, जो कि स्प्लेंडर लिखा हुआ काफ़ी अच्छा। और इसमें भी आपको स्टार्ट करने के लिए 3 मोड मिल जाते हैं। प्राइस हमने बता दिया, इसकी कलर सबसे बेस्ट आपको खास चेंजिंग के साथ यही मिलता है इस बाइक में। E20 और जो कि सारी बाइक्स में आ रहे थे, खास चेंजिंग आपको पीछे की कैरियर की वजह से ये बाइक लग रही है। काफ़ी छोटी बाइक लग रही है देखने में, बट ऐसा कुछ है नहीं, कैरियर की वजह से ये थोड़ी सी छोटी लगने लगी है। तो इसकी साइड प्रोफाइल
कुछ इस टाइप से है, काफ़ी अच्छा कलर ICS के साथ मिलती है, हाई पावर 100 पर। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बाइक के साथ। यह है न्यू सबसे लेटेस्ट स्प्लेंडर।